الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. इस्लामी मेरे भाइयों और मुहतरम मुसाफिर इकराम, जिन अय्याम से हम गुजर रहे हैं, जिस महीने से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, इस महीने का नाम इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से शाबान रखा गया है। इस महीने के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ मनक़ूल है और जो चीज़ मशहूर है और जिस चीज़ की सुन्नत के सारे लोगों को तरतीब दिलाई गई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नफली अहम तरीन इबादत है। वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से नफली रोज़ों का एहतमाम किया करते थे और बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बाबत पूछा गया, दरियाफ्त किया गया कि आखिर इतनी कसरत से आप इस शाबान के महीने में रोज़ों का एहतमाम क्यों फरमाते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह भी बयान फरमा दी कि इसकी वजह क्या है। आपने फरमाया फ़ाउहिब्बु अन युरज़ा अमली व अना साइम। वजह यह है कि बंदों के जो आमाल हैं, अच्छे हों या बुरे हों, उनकी सालाना पेशी का ये महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बंदों के अच्छे या बुरे आमाल वैसे तो रोजाना 24 घंटे में 2 दफा पेश किए जाते हैं और हफ्ते में भी 2 दफा पेश किए जाते हैं। ये आपके आमाल की सालाना पेशी है। तो आमाल पेश किए जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश ये हुई, फ़ाउहिब्बु अन युरज़ा अमली व अना साइम। मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किए जाए तो मैं रोज़े की हालत रोज़े से, इसलिए कि रोज़ा इंतहाई अहम तरीन इबादत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल है ये। तो ये वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। लिहाजा इस उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल के इस अमल में कुछ इबरत का सामान है, नसीहत का सामान है। और वो ये है कि हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अमाल के मुहासबे का एहसास होना चाहिए, शऊर होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अमाल हम कर रहे हैं हमारे लिए वो हमारे जान बन जाए और इन अमाल का हिसाब किताब देना हमारे लिए दुश्वार और मुश्किल हो जाए। इसलिए हमें जो भी काम इस दुनिया में करने हैं बहुत सोच समझ के करने हैं, घूम कर कदम रखना है। और सबसे अहम बात यह है कि जो भी नेक अमाल हम अंजाम दें सबसे पहले ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि हम ये किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमारे नबी ने ये अमल किए हैं या नहीं किए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस महीने के ताल्लुक से भी बहुत सारे ऐसे अमल हमारे समाज, हमारे मुआशरे में मुसलमानों के यहाँ मौजूद है जिन अमल के करने की कोई गुंजाइश हमारी शरीयत में नहीं है। जिस तरीके से हमने पिछले महीने के ताल्लुक से सुना होगा और इसी मेंबर से उस महीने में क्या क्या आमाल दीन के नाम से किए जाते हैं एक लंबी फहरिस्त है। और इस महीने में भी जो आमाल दीन का हिस्सा नहीं है उन आमाल की भी एक लंबी फहरिस्त है। आज शाबान की 13 तारीख है, कल 14 होगी और परसों 15 शाबान होगी। और 15 शाबान के ताल्लुक से जो अमाल हमारे दरमियान किए जाते हैं बेशुमार ऐसे अमाल हैं जिनके करने की कोई गुंजाइश हमारी शरीयत में है नहीं। मुसलमान ये तसव्वुर करते हैं या ये समझते हैं कि शाबान की 15 तारीख की रात भर इबादत की जाए, नफली इबादत का एहतमाम किया जाए, बल्कि लोगों ने इसके लिए एक नमाज ईजाद की हुई है जिसे सलातुल अल्फिया कहा जाता है। इससे पहले जो महीना था उसमें एक रोजा ईजाद किया गया था जिसे हजारी रोजा कहा जाता था। इस महीने में हजारी नमाज पढ़ी जाती है, 100 रकत नमाज पढ़ी जाती है और हर रकत की सूरत में हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 दफा सूरह इखलास पढ़ी जाती है। इस तरीके से ये सूरत 1000 दफा 100 रकतों में पढ़ी जाती है। इसको सलात अल्फिया कहा जाता है। लोग रात भर इबादत करते हैं, इबादत में गुजार देते हैं। याद रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब निस्बत की जाती है कि आपने फरमाया है कि इस रात की कितनी फजीलत है, इस रात की इतनी फजीलत है कि रात पर इबादत की जाए और दिन भर रोजा रखा जाए। लेकिन याद रहे कि ये हदीस सही नहीं है और ज़ईद भी नहीं है, बल्कि कमजोरी का जो सबसे आखिरी दर्जा होता है ये घड़ी हुई रिवायत है जिसकी कोई सनद नहीं है। इसलिए ये समझकर कि दीन का हिस्सा है, हमारे दीन में दाखिल है, इस नियत से अगर आप ये अमल करते हैं तो जायज नहीं है। और एक और रिवायत जिक्र की जाती है कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं होती। उनमें से एक रात कौन सी है? 15 शाबान की रात है। इस रात में जो दुआ की जाएगी रद्द नहीं होगी और लोग इसी नियत से रात भर दुआ में या रात के कुछ हिस्से में दुआ में मसरूफ रहते हैं कि ताकि उनकी दुआ कबूल हो जाए। उलमा ने कहा है कि यह हदीस भी घड़ी हुई है, इसकी सनद भी सही नहीं है और कुछ लोगों को गलत फहमी कुरान से भी इस रात की फजीलत अहमियत साबित करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ये सूरह दुखान की आयत नंबर 3 और 4। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़रीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारक, हमने जो किताब इस उम्मत को दी है उसको बाबरकत रात में नाज़िल फरमाया है। यह लफ्ज़ इंज़ाल इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान जो हमारा आसमानी दस्तूर है, कानून है और जिसके आजकल एतराजात उठाए जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको बाबरकत रात में नाज़िल फरमाया है। कौन सी बाबरकत रात है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लौहे महफूज से बैतुल इज्जत में जो करीबी आसमान, जो आखिरी आसमान है, जो हमसे करीब है, यहाँ फरिश्तों का इबादत खाना है बैतुल इज्जत, इसमें नाज़िल फरमाया। और उसके बाद यहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर 23 साल जिंदगी में थोड़ा थोड़ा जरूरत के मुताबिक नाज़िल होता रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बाबरकत रात में नाज़िल फरमाया है। सवाल यह है कि ये बाबरकत रात कब होती है? ये किस महीने की रात है? किस आशरे की रात है ये बाबरकत रात? सुनिए, हमारे यहाँ तफसीर की जो किताब आमतौर से मौजूद है, चाहे वो अरबी में हो या उर्दू तर्जमा हो, इब्ने कसीर तफसीर ज्यादातर लोगों की यहाँ मौजूद है। आइए देखते हैं बाबरकत रात कौन सी है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान अजीम के सिलसिले में खबर देते हुए इरशाद फरमा रहा है, इन्नहु अंज़लहु फी लैलतिल मुबारका, कि अल्लाह ने कुरान को बाबरकत रात में नाज़िल फरमाया है। वहिया लैलतुल क़द्र, और ये बरकत वाली रात कौन सी है? ये क़द्र वाली रात है, जहां अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में, शब-ए क़द्र में, क़द्र वाली रात में इसको नाज़िल किया है। और कुरान ने ये भी फैसला कर दिया है कि ये बाबरकत रात या क़द्र वाली रात इस महीने में होती है, शाबान में होती है, जिस महीने से हम गुजर रहे हैं, या किसी और महीने में ये रात होती है, किस महीने में होती है? आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है सूरह बकरा की आयत नंबर 185, फरमाता है अल्लाह ताला, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को नाज़िल फरमाया है। और कुरान रमजान में नाज़िल किया गया है, उसकी सबसे अजीम रात में नाज़िल किया गया है। और अल्लाह के रसूल की बेशुमार हदीसें हम रमजान में सुनते आए हैं कि वो रात कब होती है? रमजान के किन अय्याम में होती है? रमजान के आखिरी अशरे में, उसकी ताक रातों में ये रात होती है। लिहाजा बहुत से लोगों का यह समझना कि ये 15 शाबान की जो रात है वो आम रात है, ये इंतहाई गलत बात है। अगरचे बाद लोगों ने ये बात कही है, लेकिन कुरान के फैसले के मुताबिक और कुरान की तफसीर के मुताबिक, खुद कुरान ने ये तफसीर की है, उसके मुताबिक ये कहना गलत होगा कि ये 15 शाबान की रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाज़िल फरमाया है और ये बाबरकत रात है। और आइए, जिन मुफस्सिरीन ने ये बात कही है मैं उनके नाम भी जिक्र कर दूं। इब्ने अरबी एक मशहूर मुफस्सिर है, उनकी किताब अहकामुल कुरान है, उन्होंने भी ये बात कही। इमाम तबरी मशहूर मुफस्सिर है, उन्होंने भी यही बात कही। इमाम कुर्तुबी, उन्होंने भी यही बात कही। मशहूर आलिम और मुज्तहिद है काज़ी शौकानी, उन्होंने भी यही बात कही। और जुम्हूर मुफस्सिरीन ने यही बात कही है कि कुरान 15 शाबान को नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान के महीने में शब क़द्र में इसको नाज़िल फरमाया। लिहाजा मालूम हुआ कि लोगों को जो गलत फहमी है वो दूर हो जानी चाहिए। ये कुरान अल्लाह ने बाबरकत रात में, और वो रात शाबान के महीने की है, 15 शाबान की है, ये बात दुरुस्त और सही नहीं है। आइए, इसके बाद मुसलमान इस रात के ताल्लुक से या इस दिन के ताल्लुक से जो अमाल अंजाम देते हैं, मैं उनमें से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 चीजों के सिलसिले में गुफ्तगू करूंगा कि लोग 15 शाबान के ताल्लुक से जो रोजा रखा जाता है, जो इबादत की जाती है और जो एहतमाम किया जाता है, खुसूसी दुआ की जाती है, उसके सिलसिले में आपने बात सुनी। लेकिन और भी कुछ अमाल हैं जो किए जाते हैं। एक इंतहाई बदतरीन, अगर मैं कहूं घटिया अमल जो 15 शाबान को किया जाता है, वो आतिशबाजी है, और आतिशबाजी के साथ साथ चरागा है, रोशनी का इस्तेमाल है। चाहे ये रोशनी घरों के अंदर की जाती हो, मसाजिद के अंदर की जाती हो, मस्जिदों के गुंबदों पर हमें ऐसी चीजें नजर आती हो, मनारों पर ऐसी चीजें नजर आती हो, या लोग कब्रिस्तान में कसरत से जाकर वहां भी चरागा करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। नया जमाना है, हो सकता है कहीं वक्त भी लगाए जाते हो। और मैं जो अखबारात की रिपोर्टें देख रहा था, खुसूसियत के साथ कब्रिस्तानों का एहतमाम, उनके जो मुतावलियान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वहां लिपाई, पुताई, रंग रोगन, रोशनी, ये सारी चीजों का इंतजाम मुहैया किया गया। और बड़े बड़े अइम्मा की जानिब से गाइडलाइन दी गई है कि कब्रिस्तान में कैसे आना है, कैसे नहीं आना है, कोरोना वायरस की वजह से। बहरहाल, तो ये चंद चीजें हैं, मैं इनके सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहता हूं। आतिशबाजी, पटाखे छोड़ना, या कुछ लोग कहते हैं कि लोग खुशी का इजहार करते हैं, खुशी के मौके से पटाखे छोड़े जाते हैं। आखिर 15 शाबान के ताल्लुक से इसके किसकी क्या गुंजाइश है? आप सोचिए, आपने जो पैसा कमाया है, जो माल कमाया है, कयामत के दिन हर इंसान से दो सवाल होना है। मिनायना इक्तसबा व फीमान फका, जो पैसा आपने कमाया है कहां से कमाया है, कहां खर्च किया है? ये आतिशबाजी में खर्च करना पैसा, ये क्या है? ये फजूल खर्ची है, इंतहाई खतरनाक अमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, वातिज़िल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया, हर मुसलमान के लिए हुक्म है कि आप अपने रिश्तेदारों के हुकूक, माल के ताल्लुक से जो आपके ऊपर आयत किए गए हैं, कुछ वाजिबी हुकूक है, कुछ इस्तेबाबी हुकूक है, इनको अदा कीजिए, माल उनके ऊपर खर्च कीजिए, और जो मिस्कीन है, फुकरा है, उनके हुकूक अदा कीजिए, मुसाफिर है, उनके हुकूक है। ये जो माल हम कमाते हैं, सिर्फ हमारा ही हक नहीं है इसमें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुकूक मुतायन किए हुए हैं, इसमें से और लोगों का हक भी है, उन पर खर्च कीजिए। और साथ ही साथ ताकीद फरमानी सही है, आप मेहनत करते, कोशिश करते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जहां चाहे खर्च करते पैसा। कहा बोला तो बदर तबजीरा, फजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। शरीयत ने जो अमल, जो काम हराम करार दिया हो, जायज ना हो शरीयत की निगाह में, उसमें आप पैसा खर्च करें, इसकी इजाजत आपको नहीं है। और अल्लाह ताला ने ये जुर्म कितना बड़ा है, कहा ऐसा करने वाले लोग शैतान के भाई, शैतान से तशबीह दी, मुमासलत जिक्र की है शैतान से। लिहाजा शैतान क्या था? अपने रब का इंतहाई नाशुक्रा शख्स। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाशुक्री उसने की। लिहाजा हम क्या चाहते हैं? आतिशबाजी करके शैतान का भाई बनना चाहते हैं, अल्लाह के नाशुक्रे बंदों में शामिल होना चाहते हैं, या ये आतिशबाजी बंद हो जानी चाहिए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको शरीफ लोगों में अपना नाम दर्ज कराना है, यह आतिशबाजी मुसलमानों के समाज, मुआशरे से खत्म हो जानी चाहिए। और इस आतिशबाजी के कितने नुकसान हैं आप तस्वीर कर सकते हैं। माली खसारा, माली नुकसान है, माशी इक्तिसादी नुकसान हैं इसके, मुआशरती समाजी नुकसान हैं, माहौलियाती नुकसान हैं। आइए इन नुकसानात में से कुछ और नुकसानात का जायजा लिया जाए। बच्चों को हम जब पैसा देते हैं तो हम क्या सबक उनको सिखाते हैं, क्या तालीम देते हैं कि यह अमल बहुत अच्छा अमल है, जायज है। यही हमारी तरबियत है कि हम खुद भी जुर्म करते हैं और अपनी औलाद से भी जुर्म कराते हैं, शरीयत की खिलाफ वर्जी कराते हैं। हुक्म तो यह है कि आप जिस तरीके से अपने आप को जहन्नम की आग से बचाए, बच्चों को भी, बच्चियों को भी, औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सदके की खजूरों का एक ढेर लगा हुआ था। हजरत हसन या हुसैन उनमें से कोई बच्चा मौजूद था, उसने उठाकर सदके की एक खजूर अपने मुंह में रख ली। और सदका अल्लाह के रसूल के लिए हराम और ममनू था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह से खजूर निकालकर रख दी, उसमें कहा कि हमारे लिए जायज और दुरुस्त नहीं। औलाद की तरबियत इस तरीके से होती है कि आमाल हराम है, ना जायज है, इसलिए हम बच्चों को इस ताल्लुक से कोई पैसा न दे, खर्च न करें इस रास्ते में। और इसके नुकसान आप अपनी जान भी, अपने बच्चों की जान भी, अपने घर वालों की जान भी खतरे में डाल रहे। कितने हादसा और वाकयात ऐसे शब बरात के बाद या गैर मुस्लिमों के, या उनसे तो नहीं कह सकते, उनका अपना दीन और धर्म जाने, लेकिन हम मुसलमानों से यह जरूर गुजारिश करेंगे कि आप इसके जरिए से अपनी जान खतरे में डालते हैं, अपने बच्चों की जान खतरे में डालते हैं, पड़ोसियों की जान खतरे में डालते हैं। आग लगने के कितने हादसा, पटाखों की वजह से कितने लोगों की जान चली जाती है। हो सकता है यहाँ इस तरह की रिपोर्टें कम आती हो, लेकिन और जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वहां के अखबार खोलकर देख लीजिए, रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि इस आतिशबाजी के नतीजे में कितने लोगों के घर जलते हैं, कितने लोगों की जान जाती है। अल्लाह का इरशाद है वला तुलू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो, तबाही से बचाने की कोशिश करो। और इसी तरीके से इसके आतिशबाजी के बहुत सारे और भी नुकसान हैं। ये चीज आई कहां से है? मुसलमानों के दरमियान ये चीज कहां से मुसलमानों में इसका रिवाज हुआ है, इस पर बहुत फिक्र करने की जरूरत है। क्या इस्लाम में कोई ऐसी गुंजाइश है, कोई ऐसी तकरीब है कि उसका अहम तरीन जुज ये आतिशबाजी, पटाखे, इस तरह की चीजें हो? इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश है? हाँ, गैर मुस्लिमों के यहाँ हम देख सकते हैं, उनके यहाँ तो बहुत कुछ होता है। दिवाली में इस तरह की चीजें होती है, उनके यहाँ आतिशबाजी होती है। और हुकूमत की तरफ से गुजारिश की जाती है कि माहौल या माहौलियात को जो नुकसान पहुंचता है, लोगों की सांस रुकने लगती है, फजाई आलूदगी बढ़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या इस्लाम इसकी इजाजत दे सकता है मुसलमानों को? ये गैर मुसलमानों की नक्काली है। और आइए मैं बता दूं, मुसलमानों का एक तबका है जिनके यहाँ मैं कल की अखबार की बोर्ड के लखनऊ से एक अखबार निकलता है, मुसलमानों का तबका है जो ये कहता है कि 15 शाबान को उनके जो इमाम गायब है, इमाम मेहदी, जिनकी पैदाइश 15 शाबान को हुई है, उनकी खुशी में ये आतिशबाजी की जाती है। रिपोर्टर लिखता है कि मोमिनीन इमाम गायब या इमाम मेहदी की विलादत की खुशी में आतिशबाजी भी छोड़ते हैं, आतिशबाजी का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं सुन्नियों से ये गुजारिश करूंगा कि आपके यहाँ आप बताइए कि किस इमाम की पैदाइश हुई है 15 शाबान को, आप किस इमाम की पैदाइश में खुशी का इजहार करते हैं? और वो बरात का इजहार भी करते हैं, इसीलिए इसको शब बरात कहा गया है। मैंने इससे पहले ये बात तफसील से जिक्र की थी, किस चीज से बरात का ऐलान है। ये फारसी तरकीब है, ये आजमी बिदात है। हदीस, यहां तक के घड़ी हुई हदीस में भी शब बरात का लफ्ज या लैलतुल बरात का लफ्ज अरबी बनाई गई, किसी घड़ी हुई हदीस में भी ये लफ्ज मौजूद नहीं है। मुसलमान समझने की कोशिश करें, ये घड़ी हुई चीज है। इसलिए अगर खुशी अगर कोई मनाता है तो वो दूसरे लोग हैं, हमें खुशी मनाने की इजाजत नहीं है, बताते छोड़ने के बाद। और आइए उसके बाद जहां तक चराना का मसला है, चराना किया जाता है मस्जिदों में, घरों में, कब्रिस्तानों में, हद से ज्यादा रोशनी इस्तेमाल की जाती है। मैंने इससे पहले ये बात बतलाई थी कि हमारे दीन, हमारी शरीयत में अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए आग रोशन की जाए, रोशनी का एहतमाम किया जाए, जायज और दुरुस्त नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का तकर्रुब हासिल करने के लिए रोशनी ज्यादा करें, हम चराग जलाएं, गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये चीज मुसलमानों में कहां से आई है? ये एक बर्मकी खानदान था, मजूसी खानदान था जो इस्लाम में दाखिल हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि मजूसी आग को मुकद्दस समझते हैं, ये उनके यहाँ और मुकद्दस चीज है। इसलिए जो बर्मकी मुसलमान इस्लाम में दाखिल हुए, दरपर्दा वो दिल में आग की तफ्तीश, आग का एहतराम उनके दिल में था, लिहाजा उन्होंने ये चीज दाखिल करने की कोशिश की और किसी न किसी हद तक वो कामयाब भी हो गए। और मैंने एक बात जिक्र की थी कि खलीफा हारून रशीद ने जब हज करने गया ये खलीफा, तो एक शख्स था याहया बर्बकी, उसने मशवरा दिया था कि अमीरुल मोमिनीन आप खाने काबा में एक बड़ी सी अंगीठी आप वहां लगवा दीजिए जिसमें हमेशा आग सुलगती रहे, आग जलती रहे, इसका इत्माम कीजिए। और ये इतना बड़ा नेक काम होगा कि आपसे पहले किसी खलीफा ने यह काम नहीं किया है, यह आपका कारनामा शुमार होगा। ये मशवरा दिया था इस वजीर ने, हारून रशीद को मशवरा दिया था आग जलाने का काम खाने का बाबू। लेकिन खलीफा समझदार था, समझ गया कि कहां से बोल रहा है, इसलिए हज से वापसी के बाद ऐसे सारे लोगों का खात्मा कर दिया हारून रशीद ने कि ये लोग मुसलमान होने की आड़ में मजूसियत को जिंदा करना चाहते हैं। इसलिए आग की इबादत की या रोशनी की इबादत की हमारी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं आई। मशहूर हनफी आलिम दीन है मुल्ला अली खारी, वो जिक्र करते हैं इसके ताल्लुक से, कहते हैं अव्वल हुदूसिल वक़ीद मिनल बरामिक, सबसे पहले शराब रोशनी ज्यादा इस्तेमाल करने की जो बिदअत है किसने ईजाद की है? कहते हैं मिनल बरामिक, बर्मकी लोगों ने ये चीज ईजाद की। वकालू अबदतन नीरान, और ये आग के पुजारी थे। फलम्मा अस्लमू अदखलू फिल इस्लाम, जब ये मुसलमान हुए इस्लाम में दाखिल हुए, इस्लाम में इन्होंने इस चीज को दर पर्दा इस नियत से दाखिल किया कि ये भी दीन का हिस्सा है। और उनका मकसद क्या था? मकसूद हो इबादत, आग की इबादत उनका मकसद था और वो इसमें कामयाब हो गए। मुसलमान खूब चरागा करते हैं, रोशनी करते हैं, ये उन्होंने किया था। और उसके बाद ये कहते हैं कि वलम यात फी शर इस्तिहबाब ज़ियादतिल वक़ीद अलल हाजत फी मौज़िह, शरीयत में जरूरत से ज्यादा रोशनी करना, चिराग जलाना, मोमबत्ती जलाना, जरूरत से ज्यादा ऐसा करना मुस्तहब हो या अफजल हो, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं। ये हनफी आलिम दीन है जिन्होंने ये बात कही है। तो एक तो मुसलमानों को इससे चरागा से बात आ जाना चाहिए। और लोग कब्रिस्तान में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं और अगरबत्तियां ले जाते हैं, और कहीं हो सकता है मौजूदा नया जमाना है बल्ब का भी इंतजाम लोगों ने फरमा दिया। लिहाजा आप सोचे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपके कितने सहाबा की शहादत हुई, वफात हुई, आपके बेटों की वफात हुई, आपकी बेटियों की वफात हुई, और न जाने कितने आपके शहीद लोग थे, सबकी वफात हुई। क्या अल्लाह के रसूल ने कब्रिस्तान में कोई चिराग जलाया, कोई मोमबत्ती जलाई, कोई अगरबत्ती जलाई? आखिर मुर्दों को इससे हासिल किया है, फायदा क्या है इस अगरबत्ती या मोमबत्ती है इस रोशनी से? आखिर जितना पैसा आप इन खुराफात में खर्च करते हैं, ये सारा पैसा हमें किसमें खर्च करना चाहिए? ये आप गरीबों का, मिस्कीनों का, फकीरों का, और जो दीगर आपके रिश्तेदार जरूरतमंद है, हाजतमंद है, उनका हक मार के आप कब्रिस्तान में अगरबत्तियां जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, ताकि मुर्दों की बख्शिश हो जाए, मग़फ़िरत हो जाए। ये सब आप करते हैं। सोचे हैं अपने दिल में कि आखिर हमारे नबी ने ये सारे काम किए। आइए दूसरा जो खतरनाक अमल है इस महीने के ताल्लुक से, वो हलवा खोरी का है, हलवा खाने का है। लोग जो एहतमाम करते हैं, हलवा खाने का एहतमाम करते हैं। हर महीने की लोगों ने एक स्पेशल डिश बना रखी है, और किसी भी सूरत में मुसलमानों का ये मिजाज है कि लज्जत कामोदान और जबान का जायका ही हमारा खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए इस महीने की स्पेशल डिश क्या है? पिछले महीने की डिश थी भूने पूरियां, इस महीने की स्पेशल डिश क्या है? हलवा। इसके लिए तैयार किया जाता है आखिर, और जो लोग हलवा तैयार ना करें, हलवा ना खिलाएं, इसकी दावत का एहतमाम ना करें, उनको कहते हैं कंजूस है, बखील है। और बाज लोग तो इतना गुलू करते, कहते हैं ऐसे लोग दायरे इस्लाम से खारिज। कुछ लोग कहते हैं नबी के दुश्मन है, कुछ लोग कहते हैं गुस्ताख रसूल है। तो इस मौके से हलवे का एहतमाम नहीं करते, हलवा नहीं बनाते, हलवा नहीं खिलाते लोग। और जब पूछा जाता है कि आखिर ये हलवा क्यों आप बनाते हैं, इसकी वजह क्या है? 15 शाबान को इतने एहतमाम के साथ, और माफ फरमाइएगा मैं किसी को हलवा खाने से नहीं रोक रहा हूं, हलवा खाना जायज चीजें उसमें आपने डाली हुई है, उसमें कोई मसला नहीं, हलवा खाएं, बनाएं, कुछ भी करें, शरीयत की तरफ से इजाजत है। लेकिन खास तौर से 15 तारीख को हलवा खाया जाए, इसकी क्या गुंजाइश है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया था, आपके सहाबा ने एहतमाम किया था, और जो बाद में इमाम मुस्तहिदीन उन्होंने एहतमाम किया था? आइए सुनते हैं। एक दलील ये दी जाती है, लोग कहते हैं हलवा क्यों खाते हैं, कुछ ना कुछ दलील तो होगी इनके पास। कहते हैं हलवा खाने की वजह जंगे उहुद में अल्लाह के रसूल के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, अल्लाह के रसूल के दांत शहीद हुए थे ग़ज़वे उहुद के अंदर, लिहाजा अल्लाह के रसूल आम खाना नहीं खा सकते थे, दांतों में तकलीफ थी। क्या खाया? अल्लाह के रसूल ने हलवा तनावुल फरमाया, इसलिए हम इसका एहतमाम करते हैं। आइए जरा गौर करें कि इसकी हकीकत क्या है। सबसे पहले तो यह कहना कि उस मौके से अल्लाह के रसूल ने हलवा खाया था, इसके लिए कोई प्रूफ चाहिए, दलील चाहिए। इसके लिए साहबा ने कहीं जिक्र किया है कि अल्लाह के रसूल ने 15 शाबान को जब आपके दांत शहीद हुए थे तो आपने हलवा तनावुल फरमाया। आप अपनी जबान से जो कुछ फरमाते वो मुश्तरक नहीं है, वो शरीयत नहीं है। शरीयत वो है जो अल्लाह के रसूल फरमाए, और शरीयत वो है जो कुरान फरमाए। आप कहते हैं अल्लाह के रसूल ने हलवा खाया था, तो बात मान ली जाएगी, प्रूफ कीजिए, सबूत दीजिए। अगर कोई सबूत पूछता है तो कहते हैं शैतानी सवाल करते हो, सवाल करने की कोई गुंजाइश नहीं। बहरहाल अल्लाह के रसूल ने उस दिन हलवा खाया और उसका कोई प्रूफ नहीं। दूसरी बात, जंगे उहुद तमाम और रशीद के नजदीक 6 शव्वाल को हुई है, 3 हिजरी में। वो महीना कौन सा है? शव्वाल का महीना है, बिल इत्तिफाक, इसमें किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। शव्वाल का महीना कब आता है? शव्वाल का महीना, शव्वाल का महीना आता है रमजान के बाद। और हलवा हम कब खा रहे हैं? 1 महीना 21 दिन पहले हम हलवा खा के बैठ जाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में। तो अगर आपको हलवा खाना तो उसकी तारीख तो कम से कम मालूम कर लेते कि अल्लाह के रसूल के दांत कब शहीद हुए थे। और तीसरी बात, बिल फर्ज अगर ये मान लिया जाए कि अल्लाह के रसूल के दांत शहीद हुए थे और आपने उस मौके से ये हलवा खाया था, मैं ये गुजारिश करूंगा, मुकम्मल सुन्नत आपकी क्या है? अल्लाह के रसूल की मुकम्मल सुन्नत क्या हुई? आप जंग में गए थे और जंग में आपके दांत शहीद हुए थे। हम भी जंग में जाए, लड़े और वहां पर दांत तुड़वा के आए, उसके बाद हलवा नोश फरमाए, तो इसकी गुंजाइश निकल सकती है। पहले अपने दांत तो इस हालत में करें, जंग में जाए, मेहनत करें, लड़ाई करें, उसके बाद दांत टूटे, उसके बाद हलवा खाइए, मुकम्मल सुन्नत होगी अल्लाह के रसूल। और बाज लोग कहते हैं ये तो था कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। ये कुछ लोगों से जब सवाल किया जाता है इसमें नाकाम हो जाते हैं, कोई जवाब पर नहीं पड़ता है, लिहाजा भागते हैं दूसरी तरफ। कहते हैं नहीं, ये हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की नियाज है। हजरत हमजा अल्लाह के रसूल के चचा थे जो शहीद हुए थे, ये उनकी नियाज है। अब यहां भी वही सवाल है कि हजरत हमजा अल्लाह के रसूल के चचा कब शहीद हुए थे? अल्लाह के रसूल के चचा भी जंगे उहुद में शहीद हुए थे। वही महीना है, वही तारीख है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। लिहाजा ये भी कहना गलत है कि हजरत हमजा की शहादत हुई उसकी मुनासिबत से। और दूसरा सवाल यह है कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा की नियाज दिलाई थी इस मौके से, या आपके बाद और लोग उन्होंने इसकी नियाज दिलाई थी? ये साबित है किसी दलील से? ये कहा जाता है ये भी बेबुनियाद चीज है। और उसके अलावा और भागते हैं इधर उधर, जब कोई बात नहीं बनती है कहते हैं कि ये ओवैस करने की नियाज है। ओवैस करने ये जलील उम्र था नहीं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सैयदुत ताबईन करार दिया है, सारे ताबईन के सरदार। कहते हैं कि ये नियाज है किसकी? ओवैस करने की नियाज है। तो पहले तो मैं गुजारिश कर दूं कि नियाज नजर ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। अल्लाह ताला के अलावा किसी के लिए भी नजर और नियाज करना हमारी शरीयत में हराम है, नाजायज है, शिर्किया है। पहले तो ये समझो। कहते हैं हजरत ओवैस करने की ये नियाज है, उनकी मोहब्बत में और उनके अमल की वजह से करते हैं। और इसकी वजह क्या है? हाँ, वजह ये जिक्र करते हैं। कहते हैं कि जब हजरत ओवैस करनी ने ये सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हो गए ग़ज़वे उहद के अंदर, लिहाजा हम ओवैस करनी ने अपने सारे दांत तोड़ लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आपकी इत्तिबा में ओवैस करनी ने यह कारनामा अंजाम दिया, अपने सारे दांत तोड़ लिए थे। ये उनकी नियाज है। यहां भी गुजारिश करूंगा मैं ऐसे लोगों से, पहले तो आप किसी सही हदीस से ये बात साबित करें, प्रूफ करें कि यह वाकया हुआ था या नहीं हुआ था। इसकी दलील क्या है, हुज्जत क्या है कि हजरत ओवैस करनी ने अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अपने सारे दांत शहीद कर लिए थे, सारे दांत तोड़ लिए थे। पहले इसको प्रूफ कीजिए, सबूत फराम कीजिए। आप जो कहते हैं वो हुज्जत और दलील नहीं है। और दूसरी बात मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत ओवैस करनी ने तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में क्या किया था? इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, अपने सारे दांत शहीद कर लिए। इतनी मोहब्बत की हो, लिहाजा मुकम्मल अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का इजहार है, आप इजहार करना चाहते हो, हलवा खाने से नहीं होगा, किससे होगा? आप भी ओवैस करनी की तरह से अपने सारे दांत शहीद कीजिए। ये असल मोहब्बत होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर ये हादसा, ये वाकया सही हम मानते हैं, अगर दुरुस्त है आपके कौल के मुताबिक, तो आप भी अपने सारे दांत शहीद कीजिए। उसके बाद हलवा नोश फरमाइए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन एतराज यही है कि हमारी मोहब्बत सिर्फ खाने तक महदूद है। हमेशा हम खाने की फिक्र रहती है, खाने की सोचते हैं। और जहां जहमत हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, हमारा जमीन मुर्दा रहता है, मुर्दा कौन है? हमें वहां तौफीक नहीं होती है कि हम वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, बेदार सुन्नत को आम करें या अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा करें। लेकिन हाँ, जहां खाने की बात आती है, माशाअल्लाह सबसे आगे हम ऐसे उमूर के अंदर रहा करते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जितने भी बेबुनियाद और खुराफाती आमाल है, अल्लाह ताला मुसलमानों की इन आमाल से हिफाजत फरमाए। और खास तौर से मैं नौजवानों से गुजारिश करूं कि ये इस रात में एक तबका तो वो है जो दीन के नाम पर शैतान ने इबादत में लगा रखा है, एक तबका वो है। और मुसलमानों के नौजवानों का एक तबका है, शैतान ने उनको तफरीह में लगा रखा है। वो इसको तफरीह का दिन समझते हैं, ये सैरो तफरीह का दिन, स्टंट करने का दिन है, मोटरसाइकिल के करतब दिखाने का दिन है। हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन आती है कि मुसलमान नौजवान इस रात में लोगों को तंग न करें, परेशान लोग करते क्या है, महलों में रात भर ये स्टंट करते हैं मोटरसाइकिल के जरिए से, लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं और बाद लोगों की मौत भी हुई, हादसात भी होते। इसलिए मैं ऐसे नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा शरीफाना अंदाज में रहें और अपनी कौम अपनी मिल्लत के दर्द को समझने की कोशिश करें, लोगों को राह रास्त पर लाने की कोशिश करें, दावत और तबलीग करने की कोशिश करें, लोगों को बताएं कि ये गलत अमाल है। लोगों के काफिले कब्रिस्तान में नजर आते हैं, सही कब्रों की जियारत की शरीयत ने तरतीब दिलाई, लेकिन क्या 15 शाबान को कब्रिस्तान की जियारत की अल्लाह के रसूल ने कोई तरतीब दिलाई? कोई ऐसी हदीस मौजूद है हमारे? नहीं मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने कब्रों की जियारत करने के लिए कोई रात मुतय्यन की हो या कोई दिन मुतय्यन किया हो। तो बचे क्या है कि 15 शाबान की रात भर लोगों का कब्रिस्तान में मेला लगा रहता है, मर्द खवातीन सारे लोग उसमें जियारत के लिए लोगों की जाते रहते हैं, उनको एहसास नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सारे बदआमालियों से महफूज फरमाए और जो मशरूअ अमल है सिर्फ वही करने की अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए।